वो नाइट लाइफ में आप लोगों को दिखाऊंगा कि नाइट लाइफ में एग्जैक्टली कैसा होता है, क्या होता है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में अपन दिखाए थे कॉन्डम कैफे बैंकॉक, तो वो वीडियो के बाद आज अपन आए हैं सैमरोंग होम ऐसा कुछ जगह है, वो नाम वो प्लेस का नाम मैं भूल गया, वो प्लेस में मैं आ गया हूँ अभी। तो इसके अंदर है ना काफ़ी सारी मतलब विंटेज चीज़ें मिलती है, देन कैमराज गैजेट्स वगैरह बहुत सारे मिलते हैं लाइक सेकेंड में। वो चालू है कि बंद है वो मुझे पता नहीं, बट मैं अंदर जाके देखूंगा कि भाई एग्जैक्टली अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह मिलते हैं। तो मैं आपको अंदर जाके बता दूँ कि भाई अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो अंदर चलते हैं, तो अंदर चल के अपन देखेंगे अंदर भाई क्या क्या है। अंदर तो एंटर कर दिए, बस यहाँ पे देखो बहुत ही ख़तरनाक वाला बैग का कलेक्शन है ये, भाई मेकअप आर्टिस्ट के लिए लेते हैं। तो बुरी बात यह है कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर आके देखेंगे भाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे बहुत सारे कैमरों का कलेक्शन है, मतलब मोर देन 1 लाख के ऊपर कैमरे यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग कैमराज की शॉपिंग के लिए आते हैं। ये देखो अलग अलग एंटिक एंटिक कैमराज है, ऐसे कुछ एंटिक एंटिक कैमरे आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। ये पूरा देखो कैनन का कैमरा, देखो इतना प्यारा सा कैमरा है। तो कैमरा लवर्स यहाँ पे तो आना बनता ही है, बिकॉज क्या बोलते हैं, कैसा लग रहा है? अरे भाई मैं तो देख के डर गया भाई, इतने बड़े लेंसेज है और पुराने ओल्डेस्ट वाले कैमरे, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। नहीं बोलोगे ना तो लाखों का सामान होगा यहाँ पे। तो फंडा ऐसा है कि भाई यहाँ पे कैमरेज तो बहुत सारे हैं, बट शायद कैमरेज सारे बंद है। ये सारे शोपीस के कैमरे एंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल के कैमरे हैं, मतलब एकदम 70s के ज़माने के कैमरे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वन बाय वन की कैसे कैसे टाइप के कैमरे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये देखो लाइन से आप देखो, ये देखो कितना प्यारा छोटा सा कैमरा है, देख रहे हो? ये कैनन का कैमरा शायद मैं लेने वाला था, मुझे लग रहा है ये बहुत खतरनाक कैमरा लग रहा है। देखो देखो निकॉन का F70। हेवन है भाई हेवन। ट्राइपॉड कितना प्यारा है यार, ट्राइपॉड लेना चाहिए, ट्राइपॉड बहुत मजबूत लग रहा है मेरे को और ट्राइपॉड अच्छा भी है। देखते हैं मैं शायद अगर हो सके तो यहाँ से ट्राइपॉड ले लूँगा। ये देखो पैनारोमा। आगे चलते चलते देखते हैं कैमरे के बारे में, ये अपन आगे आ गए। मिनोल्टा, भाई जो भी कैमरा लवर्स है, फोटोग्राफर्स सिनेमाटोग्राफर्स, उनके लिए भाई हेवन है ये। ये तो हेवन है, 100% हेवन है, बिकॉज यहाँ पे मतलब अलग लेवल का कलेक्शन है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो भाई ये कैनन का कैमरा मुझे पसंद आया था, तो ये कैनन के कैमरे की कॉस्ट है 580 baht की, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है वो तो। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे कैमरे, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ट्राईपॉड ले दो यार, ट्राईपॉड बहुत प्यारे प्यारे है। देखो ना ये क्या ट्राईपॉड लग रहा है भाई साहब, कौन से ज़माने का ट्राईपॉड है मुझे पता नहीं, बट बहुत खतरनाक है भाई। कैनन का देखो एकदम प्यारा सा कैमरा मिला है मुझे यहाँ पे, कैनन US। ये देखो डबल डिस्प्ले, शायद ये चलता रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है, इतने का पता नहीं। और कैनन की कैप भी एकदम एंटी के साथ। तो ये जगह ना काफ़ी अच्छी लगी, स्पेशली तो मैं फोटोग्राफर हूँ, कैमरे से बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे, तो ऑब्वियसली ये जगह मुझे पसंद आनी है, तो ये जगह मुझे जाना ही था। तो ये लोकेशन में डाल के अपन चले गए, कुछ मेरे घर से कुछ 25 किलोमीटर्स पे ये जगह थी। कैमरा तो हमें पसंद आया था, बट कुछ ज़्यादा महंगा बोल रहे थे, कुछ 2500 baht भाई, 5000 रुपया 6000 रुपया होता है इंडिया का। दूसरे डिपार्टमेंट में हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे गिटार वगैरह है, गिटार सितार सब सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। ओ भाई साहब देखो मैकबुक प्रो, कैलेंडर देख रहे हो भाई का, क्या क्या है इधर? अरे यहाँ पे क्या नहीं है वो पूछ भाई, क्या क्या है मत पूछ। अंधेरी के लोकल में बजाने के लिए, अंधेरी से विरार के लोकल में बजाने के लिए अपने पास नहीं दे सकते हैं बेस्ट और विरार। ओ भाई साहब कैसे देख रहे हो, बंद है बंद है, और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत हैवी हैवी है, तो थोड़े बहुत फोटो वगैरह खींच लिए हमने,
इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, तो आप लोगों को वो फोटो देखने मिलेंगे इंस्टाग्राम पे कोका व्लॉग्स के ऊपर। देखो भाई पूरा गिटार का खजाना है, पूरा खजाना है ऑलमोस्ट। गिटार की कॉस्ट देखो 1000-1200-1500 बात, मतलब अराउंड होता है 2500-3000 रुपये इंडियन रुपीज में। और डीजे पांडा के लिए यहाँ पे और एक चीज़ मिली है मुझे, क्या बात है पांडा, ये लेके आओगे तेरे लिए मैं। और यहाँ पे हेडफोन का कलेक्शन देखो भाई, यामा का हेडफोन भाई। जैसे कि अपने यहाँ पे आप देखते हैं कि भाई अपने रास्ते पे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप मिरिंडा वगैरह पीते हैं, बट यहाँ के लोग ना बुढ़े से बुढ़ा आदमी यहाँ पे वाटरमेलन जूस, कीवी जूस, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हीट है। स्ट्रॉ भाई स्ट्रॉ, यहाँ का स्ट्रॉ का क्वालिटी अच्छा लग रहा है। एक नंबर बनाया भाई। तो आई होप आप लोगों को थाईलैंड की पूरी व्लॉगिंग की सीरीज पसंद आ रही है। आज नाइट में, वैसे तो हमारा आज थाईलैंड में दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन हम जा रहे हैं आज नाना प्लाजा, जो कि बैंकॉक का लाइक फेमस बोलते हैं ना नाइट लाइफ होती है, वो नाइट लाइफ में आप लोगों को दिखाऊंगा कि नाइट लाइफ में एग्जैक्टली कैसा होता है, क्या होता है, कैसी पार्टियां करते लोगों। ओके सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नाना प्लाजा। तो नाना प्लाजा में पहुंच तो गए हम लोग, बाइक लगाने का बहुत ज़्यादा इशू था यहाँ पे, तो हम लोगों ने देखो रोड में बाइक लगा दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे लाइन से बाइक रोड पे लगती है, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे कोई अभी बना। तो वैसे तो थाईलैंड कैसे एडल्ट्री चीज़ों के लिए फेमस है ज़्यादा, तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई आप ये सारी चीज़ों से ना दूर, मतलब दूर रहो लाइक, बिकॉज एडल्ट्री चीज़ों से ना भाई यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हो तो एडल्ट्री चीज़ों से दूर रहना। मैं जानता हूँ कि भाई एडल्ट्री चीज़ें मतलब बहुत फेमस है इस चीज़ को लेकर, बट आप सतर्क रहे और सावधान रहे, गलत चीज़ों का दो मिनट के मजे के लिए आप भागे ना। और मैं जब भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इसलिए ना, इसके वजह से सब उठ रहे भाई, इसके वजह से ना सब रास्ते में से लड़कियाँ उठ रही है अंदर जा रही है। तो सिर कैसे अभी यहाँ पे सब लड़कियाँ रोड पे खड़ी होती है, तो मैं कैमरे से ब्लॉग कर रहा हूँ अभी, तो सब लोग अंदर भाग रहे लिटरली। भाई साहब ये देखो कीड़े मकूड़े, देखो कीड़े जिसे तुम लोग भागते हो लड़कियाँ, ये कॉकरोच, कॉकरोच ग्रेवी, ये है चुकंदर ग्रेवी, ये है लेंटी ग्रेवी गांडोल, और ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है, और अभी हम लोग खाने वाले ये भाई। बिकॉज यहाँ पे कैसा है अडल्ट्री एरिया है, तो अडल्ट्री एरिया में शूट करना अच्छा नहीं लगता, एंड किसी की प्राइवेसी मतलब को प्राइवेसी को मतलब शूट करना एंड अपलोड करना वो गलत है। वैसे मैं किसी की प्राइवेसी शूट नहीं करूँगा, बट स्टिल वो लोग को डर लगता है कि वो लोग फ्रेम में आ जाएंगे एंड वो लोग का वीडियो वगैरह वायरल हो जाएगा, तो अपन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे नाना प्लाजा पे वीडियो शूट नहीं करने वाला हूँ। भाई यहाँ पे कोई मार्केट है, स्टे सेफ मार्केट, उसके अंदर हम लोग घुस गए। मैं एक्चुअली हम लोग जा रहे थे खाउसान रोड, बट हमें रास्ते में मार्केट दिख गया था, हम लोग यहाँ पे रुक गए, तो बस देखेंगे भाई मार्केट में यहाँ पे क्या क्या मिलता है। वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे जिधर भी आ रहे हैं ना, वहाँ पे मतलब लड़कियों के सब मार्केट है, लड़कों के बहुत ही कम मार्केट है, बहुत ही रेयर मार्केट है। तो हम लोग अभी यहाँ पे घुसे हैं, तो सोचा कि लड़कियों के लिए वीडियो बनाया जाए, लड़कियों के लिए मार्केट का वीडियो एक्सप्लोर किया जाए, तो देखेंगे भाई लड़कियों के लिए क्या क्या है यहाँ पे कलेक्शन, थोड़े बहुत लड़कों के भी शॉप मिल ही जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो ना।
तो हम लोग वैसे तो यहाँ पे मार्केट में जाके तो घूम के आ गए, बट वहाँ पे लड़कों का एक भी शॉप हमें मिला नहीं, तो हम लोग फट से निकल गए बाहर। तो वहाँ पे हम लोग ने कलेक्शन देखा, लड़कियों का पूरा कलेक्शन था एंड कंपेयर टू इंडिया लाइक सस्ता था काफ़ी, बिकॉज कुछ 130-140 बाद में टॉप्स मिल रहे थे लड़कियों के, जो कि कंपेयर में इंडिया में 200-250 में मिलते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, जूस पियेंगे क्या? हेलो जूस। भाई रास्ते में आप जहाँ पे भी आओगे ना, वहाँ पे रोड पे पाइनएप्पल, मस्त मिलन, वाटर मिलन एंड पेरू ऐसा आपको मिलेगा खाने के लिए, वो भी 20 बाद में, इंडिया के 40-50 रुपये होते। क्योंकि थाईलैंड में रास्ते पे बैठ के वाटर मिलन एंड पाइनएप्पल खा रहे, तो ये देखो 40 बात का हम लोग ने लिया ये।